चल देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय 5। अच्छा ठीक, क्या है समझे सेट? ठीक है, उसमें जो भी पढ़ रहे हैं उसमें देखो क्या रहता है। एक ए सेट दिया है, मान लो वो दिया है क्या, 1 2 3 दिया है, ठीक है। और हमने एक और मान लिया मन से, 2 3 4 है ना, या 5 और मान लिया, ठीक है। हाँ, जब तक कॉमा नहीं पूरे नहीं होंगे। अब ये दोनों सेट किसी से लिए गए होंगे, कहीं एक इनसे बड़ा सेट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहां लिखे दे रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही ले लो, ये हो गया, ठीक है। अब इनमें क्या लगेंगी, संक्रियाएं। संक्रियाएं जानते हो, संक्रियाएं पुराने बच्चे तो जानते होंगे, संक्रियाएं डैश वाली तो पूरक होता है। संक्रियाएं क्या होती है, वो तो अवयव है या नहीं है, बिलोंग्स की नहीं, मतलब संक्रियाएं संक्रियाएं हमने पहले बचपन से शुरुआत करते हैं। पहले सेट सीखे थे आपने, ऐसे ही शुरू में क्या सीखते हैं अपन, गिनती सीखते हैं 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद कहाँ आते हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग के आते हो। तो यही संक्रियाएं हो गई, जोड़ना घटाना गुणा और भाग। इनको ऑपरेशन, इंग्लिश वाला कोई है ही नहीं, इनको ऑपरेशन भी बोलते हैं ना। अब ऑपरेशन काहे से कहते हैं, उन्होंने कहा वो चीरा पाड़ी करने वाला है ना। तो गणित में क्या हो गई, ये संक्रियाएं। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, सेट। सेट में संक्रियाएं क्या पढ़ेंगी, एक यूनियन निकालना है ना, इसको क्या बोलते हैं, सम्मेलन, है ना, सम्मेलन नहीं सम्मेलन, है ना, यूनियन। यूनियन क्या होता है, जैसे हमने कहा मान लो कोई भी एक संघ बना रहे हैं अपन, तो अपन क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े अपन से। समितियां नहीं बनती, तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो यूनियन में क्या होगा, जितने हैं सबको लेके चलेंगे अपन, है ना। इसके बाद दूसरी क्या थी, इंटरसेक्शन। दूसरी क्या थी, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, कॉमन जो होगा दोनों में, या दो हो तीन हो जितने भी सेट हो उनमें कॉमन जो चीज रहेगी वो इंटरसेक्शन में आएगी। और एक होती क्या, घटाना। तो जैसा घटाना ये था वैसे ही होगा, बस अंतर थोड़ा सा है, तो वो हम बताए थे और बता देंगे, ठीक है। तो अपन सेट में ये वाली संक्रियाएं पढ़ेंगे, सेट में इसमें हम निकाल रहे हैं क्या, ए यूनियन बी, है ना, क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी। अब सेट की एक कहानी पता है हमें, कि सेट में क्या चाहिए, कि कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 2 6 9 3, ये लिखा, इसमें एक आ गया, एक कहीं नहीं आया, लेकिन दो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है ना, तीन यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। ऐसा हम करेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा, है ना। बताए थे पहले नियम हमने की रिपीट नहीं करेंगे। तो यूनियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी बनाना, पहले ए के सारे अवयव लिख लेंगे, 1 2 3 लिख लिए। अब बी के अवयव देखेंगे, 2 लिखा गया, ठीक है भैया लिखा गया, 3 लिखा गया, लिखा गया, 4 नहीं लिखा है, 4 लिख दिया, 5 नहीं लिखा है। अब देखो, अब हम इसमें सिर्फ बी को ढूंढ रहे हैं, ए यूनियन बी में बी को ढूंढ रहे हैं, तो कितना, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया। ए को ढूंढ लो, 1 2 3, अब चाहे ये 2 इसका हो या ये 2 इसका हो, हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया यूनियन। इसके बाद इसी का हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एक इसमें आ रहा है, क्या इसमें मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, हमने लिख दिया, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है क्या,
मिल रहा है तो ये आ गया। अब इसमें तो और आगे कुछ है नहीं, तो इसको चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई। अब चार इसमें ढूंढोगे तो इसमें तो मिलना ही नहीं है, पांच इसमें मिल रहा है तो इसमें तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये इतना ही आएगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम कर रहे हैं क्या, ए माइनस बी और बी माइनस ए, जैसे हमने घटाया छह ऋण पांच बराबर और पांच ऋण छह, उत्तर तो दोनों में आएगा, आएगा इसका आएगा वन और इसका आएगा माइनस वन, ऐसे ही इसको करेंगे सेम, है ना। तो देखो हमें घटाना है ए में से बी के अवयवों को घटाना है, है ना, और जो नहीं घट रहा वो आएगा। तो ए देख लें अपन, ये एक घटाओ, एक घटेगा इसमें से, नहीं घट रहा तो इसमें एक आ जाएगा, ठीक है। दो को घटाओ, घट गया, तीन को घटाओ, घट गया, अब तो है ही नहीं कुछ, तो इतना ही आएगा। इसके अब आप बाकी के नहीं देखेंगे, दूसरे वाले के, ये इतना ही है। अब हम क्या है में से घटा रहे हैं, बी में से, बी में से घटा रहे हैं तो बी के अवयव देखेंगे, दो में से घटाओ ए में ए के अवयव, दो से तो घट जाएगा, नहीं आएगा कुछ, तीन से तीन घट जाएगा, चार और पांच दोनों नहीं घट रहे तो इसमें क्या आ जाएंगे, चार और पांच, बस ये संक्रिया है। आई समझ में, आई दिक्कत कोई? अब देखो, अब इन्हीं संक्रियाओं को हम कायम चित्र से देखें, है ना। अब समझना यूनियन और इंटरसेक्शन को, हमेशा वेन आरेख हम बनाएंगे कैसे, वर्ग या आयत बनेगा, चौकोर जो बनेगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हर हर सेट का होगा, है ना, और आगे जहां वेन आरेख बनेंगे वहां यूनिवर्सल सेट दिया होगा, है ना, और उसके अंदर अपन सर्किल बनाएंगे तो वो हो जाएंगे क्या सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए में हम लोग एक दो तीन आ रहे हैं तो अपन को ए इतना है इसमें लिखना है ना। अब हमें क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा ए में भी है और बी में भी है, तो ये क्या है ए इंटरसेक्शन, ये दो ए में भी है बी में भी है, ये तीन बी में भी है और ए में भी है, आया समझ में बात। जब ये दोनों चीजें दोनों में है तो हम यहां लिख देंगे दो और ये तीन, ये हो गया का है कौन सा पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब ए बचा, क्या बचा, दो तीन आ गए, एक बचा तो एक यहां रहेगा, ये बी में नहीं है, ये सिर्फ एक में है। इसके बाद अपन चले कहा में, बी में, तो दो और तीन तो कहां आ गए, यहां आ गए, बी में भी है ए में भी है। अब चार और पांच यहां जाएंगे, चार और पांच। अब इसमें बची क्या चीज, यूनिवर्सल सेट की, एक आ गया, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, बचा क्या, छह। छह हम यहां अलग से लिख देंगे, इस जगह में कहीं भी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बैन आ रहे, ये बन गया आपका बैन आ रहे। अब इसमें आपको क्या बताना वो आगे देख रहे हैं, पर ये बैन आ रेख आपका बन गया। अब हमें बताना है क्या इसके लिए बना रहे हैं, ए यूनियन बी के लिए अलग से ही बना दे रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये नहीं लिख रहे। अब ए यूनियन बी देखो, एक दो तीन चार पांच लिख रहे हैं, ये पूरे पांचों कहां लिख रहे हैं, ये गोला और ये दोनों गोलों में दिख रहे हैं, दोनों ब्रत में दिख रहे हैं अपन को, तो हम ये वाला हिस्सा हाईलाइटेड कर दें, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, ये ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब अगला हम बना रहे हैं दूसरा इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, दो और तीन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आएगा ना ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ये यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहां बना दो। ये ए है, ये बी है और ये यू है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ए को दर्शाना है, मतलब
हमने कहा ये ए में जितने अवयव हैं ये सब क्रिकेट खेलते हैं और बी में इतने अवयव है ना वो सब फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये जो बीच में है ना ये वाला हिस्सा ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। हमें सिर्फ ए वाला चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट खेले, तो ए केवल ए क्या आएगा, ये आ जाएगा ये वाला हिस्सा, आया समझ में। सेम बी वाला कौन सा आ जाएगा इसी में, बी वाला आ जाएगा ये वाला हिस्सा, अलग से बताए या इसी में समझ गए। मैं करूंगा और क्यों आएगा, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं ये क्या खेल रहा है, यहाँ पे जो भी है ना, मान लो यहाँ पे ऋतिक है ना, यहाँ पे ऋतिक है जो क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसलिए सिर्फ केवल ए अकेले का आएगा कि जो सिर्फ क्रिकेट खेले उसका बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। और केवल बी अकेला चाहिए जो सिर्फ फुटबॉल खेले, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये तो क्या है, ये क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, लेकिन ये सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, आया समझ में। अब चलें अपन कहाँ, इसी में बता रहे हैं पूरा पे है ना, ये बता रहे हैं। अब पूरा बैन आ रहा है कितना है अपना, इतना बड़ा है ना, इसमें हम निकाल रहे हैं क्या ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इतना है, इसका डैश निकालना है, मतलब पूरा निकालना है, मतलब ये जो है इसको छोड़ के बाकी की जगह, बाकी की जगह कितनी दिख रही है, ये दिख रही है काली वाली, दिख रही है ये, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा काला वाला हिस्सा कहलाएगा ए यूनियन बी का, यस समझ गए है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या रहेगा, इसको इस हिस्से को छोड़ के बाकी ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा आ जाएगा, आया समझ में। ये हिस्सा बस छोड़ेंगे अपन डैश में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन काय की, दो मिनट रुक जाओ, ये बनाया हमने क्या ए और बी है ना, इसमें अब तुम्हारी बात क्लियर हो जाएगी। हमने कहा ए सेट दर्शाओ, ए सेट दर्शाओ, हम क्या दर्शाएंगे, ये सेट ए में जो है, ठीक है, ये ए को दर्शा दिया, ए को दर्शा दिया, अब हमें क्या दर्शाना है, ए डैश दर्शाना है। तो ए वाले हिस्से को छोड़ के, ए वाले हिस्से को छोड़ के पूरा आएगा, ये नीला वाला हिस्सा, समझ गए, ए डैश के लिए, मतलब ए का पूरा, पूरा क्या होता है, जो है उसको छोड़ के बाकी का यूनिवर्सल सेट में से बाकी का पूरा। यहां देखो अभी आपने बनाया क्या एक सेट, ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब हमें दर्शाना है क्या, ए यूनियन बी दर्शाना है, कितना आएगा, ये आएगा पूरा, यही आएगा है ना, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें इसी में बता दे रहे हैं, इसी में हम दर्शा रहे हैं क्या ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए सॉरी डैश पूरक बता रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा, घबरा लगे रे भैया, अब शुरुआत भाई है, ऋतिक
ये वाला हिस्सा होगा ए यूनियन बी का, है ना। अब अपन को दर्शाना क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। एक गुणधर्म पढ़ा था हमने डी मॉर्गन लॉ का, है ना, ए यूनियन बी का सम पूरक बराबर क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक और पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये बराबर आए थे, सिद्ध करके देख चुके हैं। इसमें हमें ये मिला, है ना, क्या मिला, ये बाहर का, इसमें क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, है ना। ये आएगा, ये जो बाहरी एरिया आएगा ना, ये पूरा आएगा, उदाहरण में हो गई गड़बड़ी, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, यही का यही इसमें आएगा, इसमें ये बना रहा, ठीक है। और सेम अभी अपन ने ये निकाला था, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इंटरसेक्शन का हमने क्या निकाला था, हाँ ये बचा था, ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाला था। अब हमें निकालना क्या, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, इसमें क्या आएगा, नहीं नहीं इसमें भी आएगा यही पूरा हिस्सा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आएगा, बस ये जगह नहीं आएगी, है ना, ये वाली नहीं आएगा, बिल्कुल सेम इस जैसे आएगा, ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर रहेगा, वो भी क्यों, इसके कारण, ठीक है।